आपको बताएंगे टायर कैसे निकालते हैं, नया टायर और ट्यूब कैसे लगाते हैं। अगर आप लंबे ट्रिप की प्लान कर रहे हैं तो आपको बेसिक चीज़ आनी चाहिए, कभी भी रास्ते में आपका टायर फट सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए। आइए सिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम इसकी हवा लीक करेंगे, हवाली करने के बाद उसको थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है ताकि टायर का ये थोड़ा टाइट होता है, इसे ध्यान से करें। हुई है तो बंद हो गया, पॉज कर दो। बंद हो गया? नहीं नहीं फिर दबाओ, फिर दबाओ। वैसे उसका टूल आता है इसको निकालने का, मगर मेरे पास नहीं है इसलिए मैं अपने ताकतवर हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए ये बाहर आ चुके हैं पूरा, बस पहले ट्यूब निकाल लीजिए। इसके बाद टायर के लिए आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और ये रहा कट्टा है, पुराने टायर को साइड फेंक दीजिए और बस। मैं आपको पहले दिखाऊंगी, हमारे पास नई ट्यूब है, इस ट्यूब को हम पहले थोड़ा सा हवा भर लेंगे इसमें ताकि इजी हो जाए। छोटा सा मेरे पास पंप है जो कि साइकिलिंग के लिए बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप, हवा भरी जा रही है इसमें, ज़्यादा नहीं भरनी है तो थोड़ी सी। फिर इसे पुश कर देंगे, हो चुका है शायद। अब टायर लेंगे, पहले ट्यूब डालेंगे। अब इसे देखेंगे पहले यहाँ पे इसका होल कहाँ है। ये रहा इसका होल, इस होल में आपको ये देखना है कि ये किस पे डालना चाहिए। बस आपको अब इस तरह देखना है, आपको ये रिम के पीछे आना चाहिए हिस्सा। और बस अब ये टायर लग चुका है ऑलमोस्ट, में हवा भरनी बाकी है, इसे आपको रिम के पीछे डालना है, ध्यान रहे। इट्स डन, टिंग 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 टिंग। अब हम इसमें भरेंगे हवा, ज़्यादा टफ काम नहीं है, 10 मिनट लगेंगे सिर्फ।
हवा भरने ही वाली है। इतना है कि आप शॉप तक पहुंच सकते हो, उसके बाद आप जाके दुकान में भरवा सकते हो। इमरजेंसी में आपकी हेल्प करेगा, ज़्यादा नहीं करना है।